हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में आज एक और नया प्रॉब्लम लेते हैं, और ये विशिष्ट प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जहां दो प्रकार की स्टीम मिक्स होती है और मिक्स होने के बाद नई जो स्टीम मिलती है उसकी क्वालिटी हमें तय करनी है। तो प्रॉब्लम इस प्रकार दिया है, टू बॉयलर्स ए एंड बी, हमें दो बॉयलर्स दिए हैं ए एंड बी, डिस्चार्ज इक्वल अमाउंट ऑफ स्टीम, क्वांटिटी सेम है, इक्वल अमाउंट ऑफ स्टीम इन टू कॉमन मेन स्ट्रीम पाइप। द बॉयलर ए डिस्चार्ज स्टीम एट 10 बार प्रेशर एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयलर बी डिस्चार्जेस एट 10 बार विथ ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9। दोनों का प्रेशर सेम है 10 बार, लेकिन कंडीशन अलग है। तो कैलकुलेट द कंडीशन आफ्टर मिक्सिंग। ये दोनों प्रकार की स्टीम जब मिक्स होती है तो नई जो स्टीम मिलेगी उसकी क्वालिटी हमें तय करनी है, वेदर इट इज अ वेट स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के पहले मैं ग्राफिकल मेथड से दिखा दूं। ये हमारा बॉयलर ए है, देखिए, और यहाँ स्टीम जो मिल रही है पी वन इज इक्वल टू 10 बार और टेम्परेचर दिया है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम स्टीम टेबल यूज करते हैं तो स्टीम टेबल पर से पता चलता है कि ये जो टेम्परेचर है इट इज हायर देन ड्राई सैचुरेटेड टेम्परेचर। सैचुरेटेड टेम्परेचर उसका काम है। तो ये जो पहले प्रकार की स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम है, और इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एच सुपर हीटेड। बॉयलर बी से जो स्टीम आ रही है प्रेशर तो सेम है 10 बार, लेकिन ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है। ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब ही ये है कि वो वेट स्टीम है, तो यहाँ वेट स्टीम है। और दोनों प्रकार की स्टीम एक कॉमन फ्लो में मिक्स होती है यहाँ। तो नई जो स्टीम मिली उसकी हमें एंथैल्पी डिसाइड करनी पड़ेगी। इसकी एंथैल्पी जो है वो एंथैल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम है, ये बी की जो एंथैल्पी है वो वेट स्टीम की एंथैल्पी है, और दोनों एंथैल्पी मिक्स होगी। हीट कंटेंट जो नया मिलेगा उसकी एंथैल्पी हम तय करेंगे, और उस एंथैल्पी के बेस पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि स्टीम की क्वालिटी क्या है। तो चलिए प्रॉब्लम का जो लेआउट है वो आपको समझ में आ गया है सॉल्यूशन का। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। सबसे पहले हमने ले लिया बॉयलर ए, और बॉयलर ए के लिए जब हम स्टीम टेबल पर से डेटा कलेक्ट करते हैं एट 10 बार प्रेशर, तो इतनी सारी चीजें हमें पहले से लिख देनी है एग्जामिनेशन में, आंसर शीट में। सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, एच एफ कितना है, एच एफ जी कितना है, एच जी एंड वी जी। अब ये कैसे फाइंड करेंगे स्टीम टेबल से, तो मैं फिर से एक बार स्टीम टेबल पर ले जाता हूं, जस्ट होल्ड इट, और स्टीम टेबल से हम ये वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूं। ये स्टीम टेबल, और यहां प्रेशर है 10 बार। देखिए हाईलाइटर से मैं हाईलाइट करता हूं, दिस इज अ 10 बार प्रेशर, और 10 बार प्रेशर के सामने ये सभी कॉलम है, सैचुरेशन टेम्परेचर दूसरा कॉलम, फिर फोर्थ कॉलम वी जी है, फिर एच एफ, एच एफ जी एंड एच जी, इतनी सारी वैल्यूज हमें नोट डाउन करनी है। तो 10 बार के सामने ये लिख दो सैचुरेशन टेम्परेचर 179.9, फिर यहाँ फोर्थ कॉलम में वैल्यू है वो 0.194, वैसे एच एफ, एच एफ जी और एच जी सभी वैल्यू नोट डाउन कर दीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। तो ये सब वैल्यू हमने लिख दी, सैचुरेशन टेम्परेचर, एच एफ, एच एफ जी, एच जी एंड वी जी। अभी करना क्या है, ये सभी वैल्यूज हमारे पास है, तो एक तो तय है कि जो सैचुरेशन टेम्परेचर 179.9 है और हमें दिया गया टेम्परेचर 350 है, तो तुरंत जजमेंट आता है कि जो स्टीम बॉयलर ए में बन रही है वो सुपरहीटेड स्टीम है, और सुपरहीटेड स्टीम है तो हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए सुपरहीटेड स्टीम की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसका रिलेटेड इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। उसके पहले सीपीएस की वैल्यू हमें एग्जामिनेशन में दी नहीं है, तो सीपीएस की वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे, हम याद रखेंगे 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो एंथैल्पी ऑफ स्टीम विच इज कमिंग फ्रॉम बॉयलर ए, एच ए, एच ए इज इक्वल टू एच सुपर हीटेड, और इज इक्वल टू इक्वेशन हमारा है एच जी प्लस सीपीएस इन द ब्रैकेट टी सुपर हीटेड माइनस टी एस। तो एच जी तो हमारे पास है 2778.1, सी पी एस 2.1 है, टी सुपर हीटेड मीन्स 350 डिग्री सेंटीग्रेड,
और सैचुरेशन टेम्परेचर जो हमें स्टीम टेबल से मिला वो 179.9, और इतनी सारी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3135.3 किलो जूल पर केजी, ये एंथैल्पी आई बॉयलर ए की स्टीम के लिए। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अभी सेकंड पार्ट, बॉयलर बी की बात करते हैं। बॉयलर बी में से जो स्टीम आ रही है दैट इज एच बी, उसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एच बी मीन्स एच वेट, क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है तो यहां तो स्टीम वेट स्टीम बन रही है, तो एच वेट इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। अभी एच एफ हमारे पास है, स्टीम टेबल से डेटा कलेक्ट किया है, एक्स है 0.9 और एच एफ जी है 2015.3, और ये सभी वैल्यू डालते हैं तो आंसर मिलता है 2576.6 किलो जूल पर केजी ए एंथैल्पी आई वेट स्टीम की। अभी दोनों एंथैल्पी एक कॉमन फ्लो में मिक्स होगी क्योंकि मास सेम है, मास दोनों का समझो कि 1 kg 1 kg है तो इक्वल अमाउंट है, तो उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मास डिफरेंट होता तो हमें वेटेड एवरेज वाली फॉर्मूला लगानी पड़ती कि एक का मास 1 kg है दूसरे का 3 kg है, लेकिन अभी तो दोनों का मास सेम है तो हम एच मिक्स कैसे फाइंड करेंगे एवरेज लेके। तो एच एवरेज इज इक्वल टू एच मिक्सिंग इज इक्वल टू एच ए प्लस एच बी डिवाइडेड बाई 2। अभी एंथैल्पी ऑफ स्टीम कमिंग फ्रॉम बॉयलर ए इतनी है, एंथैल्पी ऑफ स्टीम कमिंग फ्रॉम बॉयलर बी ए इतनी है, और दोनों को डिवाइड 2 से करते हैं तो जो एवरेज एंथैल्पी मिली वो 2856 किलो जूल पर केजी। मींस नया जो हीट कंटेंट मिक्स होने के बाद बनता है वो हीट कंटेंट या एंथैल्पी जिसको कहते हैं वो है 2856 किलो जूल पर केजी। अभी ये एंथैल्पी पर से हमें जजमेंट मिलेगा कि नई जो स्टीम मिली वो वेट स्टीम है, ड्राई सैचुरेटेड है या सुपर हीटेड है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए प्रेशर तो 10 bar ही है, तो एट 10 bar एच जी हमारे सामने है 2778.1 किलो जूल पर केजी, लेकिन हमारी जो मिक्सिंग वाली एंथैल्पी मिली वो 2856 किलो जूल पर केजी। आप दोनों को कंपेयर करते तो पता चलता है कि एवरेज एंथैल्पी इज हायर देन योर एच जी, मिक्सिंग के बाद जो एंथैल्पी मिली वो ए कंटेंट से ज्यादा है, मींस स्टीम विल बी सुपर हीटेड स्टीम। स्टीम कैसी होगी, सुपर हीटेड आफ्टर मिक्सिंग, और सुपर हीटेड स्टीम है तो हम फिर से वही इक्वेशन लगाएंगे, एच सुपर हीटेड इज इक्वल टू एच जी प्लस सीपीएस टी सुपर हीटेड माइनस टीएस। अभी सुपर हीटेड स्टीम मीन्स हमारी ये 2856, एच जी तो हमें ऑलरेडी स्टीम टेबल से मिला है, सीपीएस भी हम जानते हैं 2.1, अननोन क्या है टी सुपर हीटेड, जो नई स्टीम मिली उसका टेम्परेचर कितना होगा, सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर कितना है तो वो अननोन पैरामीटर है, और टीएस तो हमारे सामने है 179.9। तो यहाँ कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टी सुपर हीटेड की वैल्यू मिलती है 216.99, मीन्स ऑलमोस्ट 217 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिक्सिंग के बाद जो नई स्टीम बनी उसका टेम्परेचर 217 डिग्री सेंटीग्रेड है, विच इज हायर देन सैचुरेटेड टेम्परेचर, मीन्स इट इज ए सुपर हीटेड स्टीम और इसका टेम्परेचर इतना होगा। तो इस तरह से हम नई स्टीम की क्वालिटी डिसाइड कर सकते हैं मिक्सिंग के बाद। तो मिक्सिंग वाला जब भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में दिया है तो आपको करना क्या है, दोनों की एंथैल्पी को मिक्स करना है, नई एंथैल्पी फाइंड करनी है, और नई एंथैल्पी के बेस पर स्टीम टेबल की हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि वेदर इट इज अ वेट स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम और ड्राई और सुपरहीटेड स्टीम। तो यहाँ ये आंसर आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में नए कोई एक प्रॉब्लम के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।